हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपा रंजन साय। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे अनदर व्लॉग में। तो ये व्लॉग है जो है संडे का, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ लंच। तो लंच में मैंने नाइट में छोले जो थे वो भीगने के लिए दिए थे, तो बस मैं उसी की सब्जी और पुलाव बनाने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग के घर फर्स्ट फर्स्ट टाइम नए घर में एक कोई गेस्ट आ रहा है, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई गर्म हो चुका था तो मैंने उसमें डाल दिया है ऑयल, और फिर मैं इसमें प्याज और थोड़े से गरम मसाले जो खड़े होते हैं वो डालूँगी। और इसकी रेसिपी मैं ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ अपने अनदर वीडियो में, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो बस मैं फटाफट से यहाँ पर लंच बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। यहाँ पर करीब 12 या 12:15 बज रहे थे, और तो इसीलिए लंच का टाइम भी होने वाला था। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पर सब्जी रेडी करूँगी, फिर उसके बाद मैं पुलाव के लिए चावल वगैरह धो के रखूँगी, ताकि उसका पानी अच्छे से सूख जाए, तो फिर उसको फ्राई करने में इजी रहेगा। तो यहाँ पर मैंने प्याज और सभी मसाले डाल दिए हैं, तो मैं उसमें नमक भी अभी ऐड कर दूँगी, ताकि प्याज गलने में इजी हो जाए। तो गाइस, मैं इसमें लहसुन और जो भी बेसिक मसाले होते हैं जो हम डेली के खाने में यूज़ करते हैं वो सभी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने लहसुन, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा पाउडर, जो भी आप लोग बेसिक मसाले जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं वो ऐड करके और पानी डाल दूंगी, और फिर उसे ढककर थोड़ा देर पकाऊंगी। और वहाँ देखिए, मैंने चावल जो है पुलाव के लिए धुल के रख दिया है, थोड़ा सा टेढ़ा करके पूरे, ताकि जो भी उसका एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाए, और फिर हम जब उसको फ्राई करेंगे तो ताकि अच्छे से फ्राई भी हो सके। तो यहाँ पर मैंने सभी मसाले हैं जो वो डाल दिए हैं, और फिर हम इसको ढक कर रख देंगे पकने के लिए। और यहाँ पर देखिए, मेरे छोले जो हैं वो भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं और अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो बस अब फिर मसाला फ्राई हो चुका है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है छोला। तो अब फिर हम इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ दूसरी तरफ मैंने कुकर धो के जितना हमने चावल लिया था उसी हिसाब से पानी डाल दिया। फिर हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला और फिर इसको अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। और यहाँ देखिए, बाहर का व्यू, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और बारिश का मौसम भी हो रखा था, तो आप लोग पेड़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी कितनी हवा चल रही है बाहर। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका था, ठंडा, और क्योंकि 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर। तो मेरी सब्जी बन चुकी थी, तो यहाँ पे मैंने वह कढ़ाई जो है उसको खाली कर लिया और उसमें डाल दिया रिफाइंड, और फिर मैं चावल को जो है अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, और फिर हम इसको ऐड कर देंगे उस पानी में जो हमने बॉईल करके रखा है। और यहाँ पर देखिए, बुआ भी आ चुकी है, तो बुआ हम लोग की यहाँ फर्स्ट टाइम आई है, या जब से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं उसके बाद से। तो हम बुआ को कुर्सी दिए थे बैठने के लिए, लेकिन बुआ बोली कि नहीं, मुझे नीचे ही कंफर्टेबल हो रहा है, तो इस वजह से वो नीचे बैठी है। तो फिर ये और बुआ आपस में बातचीत कर रहे हैं, और इधर मैं चावल जो है उसको मैंने डाल दिया पानी में अच्छी तरह से भुनने के बाद, और बस इसका हम लगा लेंगे एक सीटी और फिर हमारा पुलाव जो है वो रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए, सबको लग चुकी थी भूख, यहाँ पर करीब 3 बज रहे थे, तो बस मैं आ गई सबको लंच देने के लिए। फिर
यहाँ पर हम लोग सब लोग लंच वगैरह करके बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मैंने रख दिया चाय बनने के लिए शाम की। तो यहाँ पर देखिए मेरा चाय भी अच्छी तरह से बन चुका है और यहाँ पर मैं निकालूँगी चाय और साथ में बिस्किट। तो यहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं चाय और बिस्किट और आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। तो बस पुआ चाय वगैरह पी, फिर उसके पास आधा घंटा रुकी होंगे। फिर यहाँ पर बुआ जा रही हैं, तो देखिए ये जा रहे हैं छोड़ने बुआ को। तो इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं प्यारे से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली।